उस ज्ञान की आवश्यकता है, उसे उस चीज की आवश्यकता है जिससे वो आगे बढ़ता है। पहले आप समझो तो थोड़ा सा इसकी को बना लिए, इसकी बना दो थोड़ा सा, एक जना मिल के थोड़ा इसके वो बना दो, स्केच करके थोड़ी कौन कर रहा है भेज दिए इस पे, यहाँ पे मोबाइल पे आ गया, सबके मोबाइल पे और जिनके मोबाइल पे आ गया हो तो पड़ोसी को पुस्तक खसका दो, नहीं तो मोबाइल ही रख रहा हूँ पुस्तक ही पढ़ रहा है, यहाँ इतने विद्वान हो। तो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है संस्कार की। आप कितने ही वैभव कमाओ, कितने ही पैसा कमाओ, आचार्य ने एक बात कही कि अगर संस्कार नहीं है तो पुत्र आपको रखने वाला भी नहीं। कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे आगम्य वाक्य आते हैं, क्यों व्यक्ति अपने इन संस्कारों को भूल जाता है, क्यों व्यक्ति अपने जीवन में पतन को प्राप्त होता है, ये समझना चाहिए। आज जिस हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी जिन गुण संपत्ति जो विधान कर रहे हैं, इस विधान में जो कुछ है वो क्या है, ये चीज आज थोड़ा सा आप इसमें समझना। वो है भगवान के आज्ञा का जो निरादर कर देता है और पूर्वों के जो संस्कार उसके साथ आते कर्म के बंध के रूप में वो उसके जीवन को कितना प्रभावित कर सकते, ये समझना आज। और आज ये भी समझना कि आप अगर अपने बच्चों को आज अगर संस्कार नहीं दे पाए तो ये बच्चे कल आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये आप जानिए। आप इसको सुनकर भी थर्रा जाओगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है, क्या संस्कारों के अभाव में ऐसा भी कदम उठा सकता है कोई, ये आप विचार करें। क्योंकि आपको और आपके पूर्वजों ने जो कुछ संस्कार दिए वो कुछ अभी शेष थे जो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास थे, इसीलिए आप ये सब करने के लिए तैयार हुए हैं। एक बात फैक्ट मान के चलो, कहीं ना कहीं आपके ब्लड में वो संस्कार है, आपके खून में वो संस्कार है, इसलिए आप ये भक्ति करने का मन बना पाए, वरना ये बहुत कठिन है। ये जो दृश्य दिखता है, इस दृश्य ये तो तय होता है कि आपके परिवारों में ये भक्ति करने का कहीं ना कहीं एक संस्कार आपके अंदर बीजारोपण के रूप में आपको मिला। लेकिन क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हो, ये बताओ कि ये संस्कार वहां तक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ये संस्कार आप अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ये सोचना है। इस पर आपको थोड़ा सा चिंतन करना है कि बार बार आते कहां से। देखो संस्कार अलग अलग होते हैं। देखो एक पहला संस्कार होता है गर्व संस्कार, जो माँ को दिया जाता है, माँ अपने बेटे को अंदर गर्भ में देती है, ये पहला संस्कार। दूसरा संस्कार जब होता है जब बेटा जन्म लेता है, जब संतान जन्म लेती है तो दूसरा संस्कार उसको वहां दिया जाता है जो विशेष तौर से उसके माता पिता मिलकर उसे देते हैं। कहते हैं 100 गुरु के बराबर एक माँ होती है जो उसे देती है। तीसरा संस्कार उसका जब होता है जब बेटा बड़ा होता है, जब वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है, तब तीसरा संस्कार उसे गुरु देता है। गुरु उसके अंदर कुछ मंत्र संस्कार डालता है और उस मंत्रों से उसके अंदर जो उत्पन्न होती है, उसके अंदर जो एनर्जी का स्रोत खुलता है, वो मां नहीं खुल सकती, पिता नहीं खुल सकता, वो चाबी गुरु के पास है। गुरु जो उसके अंदर डालता है, आप उस मंत्र का उपयोग आप